नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ। अब खबरों की करते हैं शुरुआत। आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए जनपद भर में 85,000 लोगों को 107 वीजे 116 में पाबंद किया गया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जमीनी विवाद हो या किसी भी व्यक्ति से शांति भंग की आशंका होगी जो चुनाव को प्रभावित कर सकता है, उसे पाबंद किया जाएगा। और क्या कुछ कहा SP अनुराग आर्य ने, आइए सुनते हैं। बुद्धिजीवी वर्ग से परिवर्तन भी कर दिया गया है। 107-116 पुलिस इस दृष्टि से करती है कि कोई भी व्यक्ति जो चुनाव में किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न कर सकता हो या कोई शांति व्यवस्था भंग होने की जिनसे स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिनका आपस का जमीन का विवाद है, वो भी व्यक्ति ऐसे हैं जो चुनाव के दौरान जमीनी विवाद में अगर कोई बात होती है तो शांति व्यवस्था पर उसका असर पड़ता है। तो ऐसे समस्त लोगों को चिन्हित करके और 85,000 लोग लगभग हमने 107-116 में पाबंद कराए हैं। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो जिनको लगता है कि 107-116 पुलिस ने उनके विरुद्ध ठीक तरीके से नहीं किया, तो अपना रिप्रेजेंटेशन हमें दे सकते हैं, उसको भी कार्रवाई। जो बाहर दूसरा रहे हैं उनके ऊपर भी हो गया 107-116 की कार्रवाई की जाएगी। अब यहाँ आके अगर विवाद किया होगा तो जरूर 107-116 की कार्रवाई की जाएगी। हो सकता है वर्तमान में बाहर चले गए हों, 4 दिन से बाहर चले गए हों, लेकिन अगर यहाँ आके विवाद किया है तो 107-116 की कार्रवाई जरूर की जाएगी।